हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती 2024 के अंतर्गत अप्रेंटिस छात्र को एलिजिबल होने के लिए अप्रेंटिस की जो एग्ज़ाम होती है, परीक्षा होती है, प्रैक्टिकल की परीक्षा, उसमें सम्मिलित होना जरूरी है। अगर रेलवे का नोटिफिकेशन आता है और अगर आप लास्ट डेट तक भी अगर रेलवे के परीक्षा में जो अप्रेंटिसशिप का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है, जो बच्चे अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं वो भली भांति समझ रहे होंगे, अगर आप रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन के लास्ट डेट तक भी अगर आप रेलवे अप्रेंटिस के एग्जाम में प्रैक्टिकल एग्जाम में अपेयर हो जाते हो तो आप 20% कोटा के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ये रेलवे का रूल है, ठीक है। इसको लेकर यहाँ पे छात्रों के लिए एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि रेलवे अप्रेंटिस फाइनल परीक्षा की तिथि जारी की गई है। हालांकि अलग अलग डिवीजन में अलग अलग आपका जो परीक्षा की तिथि है वो देखने को मिलता है। प्रैक्टिकल बेस पे जो भी परीक्षाएं होती हैं, पहले बात करें तो पहले आपका थ्योरी होता था, ठीक है, पहले आपका सिर्फ और सिर्फ थ्योरी कंडक्ट कराया जाता था, परंतु अब जब से यहाँ पे स्किल इंडिया आया तब से थ्योरी को करके प्रैक्टिकल यहां पे आपका परीक्षा होना शुरू हो गया, जिसमें मार्क्स का भी बहुत अंतर देखने को मिलता था। थ्योरी जब होता था तो उसमें छात्रों के बहुत कम नंबर देखने को मिलते थे, परंतु जब से प्रैक्टिकल का सिलसिला शुरू हुआ तब से यहां पे छात्रों के अच्छे खासे नंबर जो है 90+ हमेशा देखने को मिल रहे हैं। इसको लेकर यहां पे एक परीक्षा तिथि जारी की गई है एक डिवीजन से, तो किस डिवीजन से है उसके बारे में बताएंगे, पूरा लिस्ट दिखाएंगे, लिस्ट भी आपको कहां मिलेगा सारा जानकारी आपको आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। साथियों यहाँ पे एक लिस्ट निकल के आ रही है, इससे पहले हम लोगों ने देखा था आपका SECR बिलासपुर का, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि बिलासपुर का फाइनली आ गया है, फर्स्ट और सेकंड लिस्ट दोनों एक साथ बिलासपुर का एग्जाम का आया था, परंतु ये जो आपका रिलीज किया गया है ये आपका SECR रायपुर की तरफ से अपडेट निकल कर आ रहा है। और इस पर्टिकुलर जो मेरिट लिस्ट रिलीज किया गया है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो अभी सिर्फ और सिर्फ जो फर्स्ट राउंड में जिन छात्रों का ज्वाइनिंग हुआ है उन्हीं छात्रों को यहाँ पे एग्जाम के रिगार्डिंग अपडेट आ रहा है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर बात करेंगे तो देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे 317 कैंडिडेट देखने को मिलेंगे, जिनमें कोपा का 4, इलेक्ट्रीशियन का 63, फीटर का 83, H&I का आपका 5, मैकेनिस्ट का 13 कैंडिडेट, मैकेनिकल डीजल के 8, मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर के 5, स्टेनो इंग्लिश 3, स्टेनो हिंदी 5, टर्नर 57 और वेल्डर के यहाँ पे बात करेंगे तो 61 कैंडिडेट हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पे 317 कैंडिडेट को अभी एग्जाम के लिए जो लेटर नोटिस है वो जारी हुआ है। इनका एग्जाम नेक्स्ट मंथ में होने वाला है, सितंबर में होने वाला है, उससे पहले यहाँ पे सारा नोटिस को जारी कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे आपका सीरियल नंबर या आपका कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, ये कैंडिडेट नेम, अपॉर्चुनिटी मतलब जो भी आपका ट्रेड है वो रहेगा, स्टार्टिंग डेट तो इनका ज्वाइनिंग कब हुआ था तो देखिए यहाँ पे 9/11/2023 मतलब 11 सितंबर 2023 को ज्वाइनिंग हुआ था, और इनका फाइनली क्लोज हो रहा है कब आपका तो 10 सितंबर 2024 को क्लोज हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे अलग अलग कैंडिडेट का अलग अलग ज्वाइनिंग डेट है और अलग अलग यहाँ पे लास्ट डेट है। जैसे यहाँ पे देखिए एक कैंडिडेट का यहाँ पे है 13 सितंबर 2023, इनका फाइनल डेट है यहाँ पे मतलब जब इनका अप्रेंटिस कंप्लीट हो रहा 12 सितंबर 2023, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे सभी छात्रों का ये फर्स्ट लिस्ट का आया है, रायपुर का जब 2023 में ज्वाइनिंग हुआ था तो फर्स्ट लिस्ट वालों का है, जिसमें अभी सिर्फ और सिर्फ 313 है, और बाकी धीरे धीरे करके जो सेकंड लिस्ट में ज्वाइनिंग करेंगे उनका अभी नहीं आया है, उनका जैसे ही आएगा हम आपको ऑफिशियली अपडेट कर देंगे। ये सब PDF वगैरह आपको जल्दी नहीं देखने को मिलते हैं क्योंकि ये सब ऑफिशियली रहता है, ठीक है। फिर भी वहाँ से बहुत सारे छात्रों का जुड़ाव है, छात्रों का प्यार है, जो ये इंटरनली नोटिस भी हमारे तक पहुँच पाता है। ये PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम जितने कैंडिडेट अभी तक ज्वाइन नहीं किए कर लीजिएगा ताकि रेगुलर अपडेट देखने को मिलते रहे, और किन किन छात्रों का ज्वाइनिंग है जिनका भी PDF में नाम है हमें कमेंट सेक्शन में मैंशन करके जरूर बताइएगा, ठीक है। उसी तरह रेलवे के हर एक डिवीज़न में आपका अप्रेंटिस कंप्लीट होने से कुछ दिन पहले आपका एग्ज़ाम करा लिया जाता है, हालांकि आप तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल होता है, थ्योरी तो अब बंद हो चुका है, ठीक है, जिसमें छात्रों के अच्छे खासे मार्क्स देखने को मिलते हैं, और मैक्सिमम छात्रों का जो स्कोर है कम से कम यहाँ पे 90 तो रहता ही है, और मैक्सिमम आपका किसी का 95, 96, 98, 99 तक भी रेलवे ने छात्रों को नंबर दिए हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम एवरेज 90 भी मान के चले तो इसका अगर 1/3 कर लिया जाए, इसका मतलब यह है कि सीधा सीधा आपको 30 नंबर का बेनिफिट जो है रेलवे आपको दे चुका है। अदर जो भी आप क्रिटेरिया रहेगा, जो भी कटअप जाएगा, तो CVT नंबर के लिए अब आपको यहाँ पे फाइट करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी
बाकी जैसे जो रेगुलर अपडेट आएगा, रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।